भगवान राम की नगरी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। 275 पेटी अवैध शराब की अयोध्या पुलिस ने बरामद की है। बाकायदा यह शराब हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही थी, जिसको कल देर रात अयोध्या पुलिस ने एसटीएफ के साथ घेराबंदी करके पकड़ा है। यह एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी इस शराब की खेप को लीड कर रही थी, जिस पर पुलिस का मोनोग्राम बना था और दिल्ली नंबर था। पुलिस को शक होने के बाद जब पुलिस ने रोका तो एक स्कॉर्पियो में 6 लोग सवार थे, जिनकी गाड़ी में 10 पेटी अवैध शराब मिली। जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई तो पीछे आ रहे कंटेनर यानी कि हाजमोला के कंटेनर में 275 पेटी शराब की छिपा कर रखी गई थी। और अयोध्या पुलिस को एसटीएफ को संयुक्त टीम को एक बड़ी सफलता मिली और पुलिस ने 275 पेटी अवैध शराब जो हरियाणा से बिहार पहुंचाई जा रही थी उसको बरामद किया। इसके अलावा 8 लोगों को हिरासत में भी लिया। थाना कोतवाली अयोध्या का है, जनपद में अवैध शराब और उनके परिवहन को लेकर कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चल रही थी। इसी क्रम में कल एसटीएफ और जनपद पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक शराब की बड़ी खेप लखनऊ गोरखपुर मार्ग पे कंटेनर से लेकर जाई जा रही है और उसके आगे एक स्कॉर्पियो चल रही है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस कोतवाली अयोध्या द्वारा घेराबंदी की गई, एक्साइज डिपार्टमेंट को भी सूचित किया गया। तो सबसे पहले एक स्कॉर्पियो कार इसको ट्रेस की गई, इसमें इसको चेक किया गया, पकड़ा गया तो इसमें 6 व्यक्ति सवार थे और इसमें 10 पेटी शराब रखी हुई थी। पूछताछ करने पर ये जानकारी में आया कि ये अवैध शराब है, जिसको ये लोग बिहार ले जा रहे हैं सीतामढ़ी, और एक कंटेनर जो है पीछे आ रहा है जिसमें और शराब है, तो उस कंटेनर को भी पकड़ा गया। इस प्रकार से ये जो ऑपरेशन प्रारंभ किया गया था वो सफल हुआ। लगभग 275 पेटी अवैध शराब जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है बरामद हुई और इसमें 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनका मुकदमा पंजीकृत करके इनका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है।